more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. नहीं, फिल्म मुझ तक पहुंची। एक राइटर था सुबोध पांडे, उसका एक कॉन्सेप्ट था। तो इनिशियली जब उसने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया तो कॉन्सेप्ट लेवल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि कैसे तीन लोगों को मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से भगवान माना जाता है। वो एक बहुत थिन लाइन थी जो मुझे एज अ डायरेक्टर बहुत अपील की गई। तो फिल्म मुझ तक आई और उसके बाद जो होता गया वो रेस्ट इज हिस्ट्री। जो सुबोध पांडे हैं उन्होंने उनका ये कॉन्सेप्ट था, बट वो कॉन्सेप्ट जब उन्होंने अपने तरीके से सुनाया तो उतना इंटरेस्टिंग था नहीं। तो मेरी सुबोध से बात हुई और सुबोध ने कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई और ज़्यादा मैच्योर्ड आदमी इस सब्जेक्ट को लेके लिख सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन लाइन थी उसको बिलीवेबल, क्योंकि एक थोड़ी सी फैंटेसी कॉमेडी है तो उसको बिलीवेबल कैसे बनाया जाए उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए थी। फिर मैंने गालिब साहब को ये स्क्रिप्ट शेयर की, कॉन्सेप्ट शेयर किया और एक्चुअली अब जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्क्रिप्ट है, बट उसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं सुबोध का ही रहा है इसके अंदर। मुझे खास तरह की बॉन्डिंग है हमें, इफ यू टॉक अबाउट योर करियर इन द इंडस्ट्री विद भिंडी बाजार एंड अदर फिल्म्स यू हैव डन, मुंबई में रविदास अग्रवाल, एक खास बॉन्डिंग बहुत कम देखा जाता है करंट सिनेरियो की। अगर हम बात करें एक राइटर और डायरेक्टर की बॉन्डिंग जो एक अच्छी फिल्म देने की कोशिश कर रहे हो, इवन यू हैव गिवन, उस बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आसानी होती है, एक दूसरे को समझ पाते हैं कि कौन क्या चाह रहा है? गालिब साहब का मैं पहले बता दूं कि ये यार मेरी जो फिल्मों का बैकबोन है वो गालिब असद भोपाली की राइटिंग ही है। और एक राइटर जो भिंडी बाजार लिख सकता है, वही राइटर अगर त्रिदेव भी लिख सकता है, तो वो जो वैरायटी है उनमें वो आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। वो काफ़ी रिजर्व किस्म के इंसान है तो इसलिए वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं, इसलिए शायद मेरे तक ही वो जो टैलेंट है, जैसे अभी खुशान भी उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बाबू मशाय लिखी हुई है, तो वो ख़ास लोगों के लिए ख़ास टाइप का जो एक बॉन्डिंग है मेरी और उनकी। मतलब आज से मैं अगर 20 साल पहले जाऊं तो श्री अधिकारी ब्रदर्स में जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था, वो राइटर हुआ करते थे, तब हम घंटों एक स्क्रिप्ट को लेकर हम डिस्कस करते थे। तो वहाँ से मुझे जो समझ में आई कि इस आदमी को स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की बहुत कमाल समझ है ना। तो जब मैंने भिंडी बाजार लिखी तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। तो जब भिंडी बाजार की स्क्रिप्ट पूरी बनकर मेरे हाथ में आई तो एक्चुअली मैं डर गया था कि मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, बट जिस सिंप्लिसिटी से वो स्क्रीन पे लिखते हैं और जितनी जितने कन्विक्शन से वो पूरी कहानी लिखते हैं वो बहुत आसान हो जाता है मेरे जैसे डायरेक्टर्स के लिए, कि अगर मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या मुझे वो कम टाइम में करना पड़ रहा है, तो उनका कॉन्टेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो सारी चीज़ों को ना नज़रअंदाज करवा देता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा पोटेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं इस वजह से। कोई जब मैं बात करता हूँ इस तरह के सब्जेक्ट की, बहुत बार पूछा जा चुका होगा आपका सवाल, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा, पीके की मैं बात करूँ या और फिल्मों की बात करूँ, जिस तरह से जो अंधविश्वास फैलाते हैं बाबा या उनपे बहुत सी फिल्में, कंपैरिजन में यकीनन होगा, आप कितना भी इस बात से नाइत्तफाकी रखें लेकिन कंपैरिजन होगा, क्या उस कंपैरिजन के लिए आप तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप अलग परोस रहे हैं जो पहले परोसा नहीं गया? थोड़ा सा अलग है, मतलब अगर आप पीके या ओ माय गॉड की बात करें तो वो एक रिलीजन के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। हम यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ गॉड इन टोटैलिटी की बात कर रहे हैं। गॉड रिलीजन नहीं है, मतलब जैसे अगर आप गॉड के अलग अलग मायने रखें तो गॉड और भगवान ये दो यूनानिमस वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जब हम धर्म के अंदर बटते हैं तब वो ब्रह्मा विष्णु महेश या अल्लाह या ईसा मसीह या गुरु नानक या इन चीज़ों में वो बट जाते हैं, बट जो पावर है वो जो सुपर पावर है वो गॉड ही है। तो हम यहाँ गॉड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रिलीजन का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, हम ये सिर्फ बताने की कोशिश, जैसे दूसरी फिल्मों में ये बताया गया था कि रिलीजन में ये नहीं करना चाहिए, रिलीजन में आप दूध वेस्ट ना करें, किसी गरीब आदमी को दे दें, वो ऑब्वियस है, जो उन्होंने बताया वो बहुत करेक्ट चीज़ें बताई। हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान एक्चुअली क्या है और भगवान की ज़रूरत हमें आज के दौर में क्यों है, और वो जो बिलीफ है भगवान के ऊपर वो जब 100% हो जाता है या 200% हो जाता है तो आपके काम कैसे आसानी से कंप्लीट होते हैं, इस बात पर हमने ज़्यादा फोकस किया है, ना कि रिलीजन और श्रद्धा और इन सब चीज़ों पर हमने फोकस नहीं किया है फिल्म के अंदर। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू जीरोड ऑन द स्टार, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ जितने भी किरदार फिल्म में हैं, जितने भी लीड
एक्टर्स हैं उनकी बात करता हूँ कि बिना पे आपने कि मुझे और व्हाइल राइटिंग व्हाइल वर्किंग द प्रोजेक्ट इट वाज ऑलवेज देयर इन योर ब्रेन कि दिस इज द पीपल आई वांट ऑन बोर्ड टू प्ले ब्रह्मा विष्णु महेश. नहीं वैसा नहीं है, मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्टर हूँ. मैं पहले कहानी को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर कहानी को कंप्लीट करने के बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा एक्टर जो है इस किरदार को ज़्यादा न्याय दे पाएगा. और जहाँ तक मैं मानता हूँ, हमने आज तक मतलब मैंने जब भिंडी बाजार में भी कास्ट किया था, जब दीप्ति नेवल को कास्ट किया था, एक कंप्लीट नेगेटिव रोल में कास्ट किया था, जिस टाइम तक उस टाइम तक दीप्ति जी को किसी ने भी उस लेवल पर नहीं देखा था. वो खुद हैरान हो गई थी कि यार मैं कैसे नेगेटिव प्ले करती हूँ, आज तक मैंने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया. तो कास्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा नॉवेल हो. जैसे इस फिल्म में भी अगर हम केके को देखें तो केके बहुत ही अलग मजाकिया अंदाज में है. वो बहुत पोटेंट एक्टर है और ये सारी रोल्स जो हैं वो बहुत आसानी से कर देते हैं. बट कहीं हम अपनी इंडस्ट्री में ही लोगों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वो सिर्फ इंटेंस कर सकते हैं या ये वाला काम कर सकते हैं. लेकिन जब वो अलग तरीके के रोल में आते हैं तो ऑडियंस के लिए भी एक एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. एज एन एक्टर भी उनके लिए एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग होता है कि मैं ये अलग टाइप का कुछ कर रहा हूँ इस चीज़ के अंदर. अब जैसे तीन लड़कों की बात करें तो अगर हम फिज़िकली हम देखें तो हमें करण सिंह ग्रोवर को शिव का रोल देना चाहिए था, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो चिजल्ड है और हाथ में टैटूज हैं जो अमूमन शिवा का प्रतीक होता है. बट हमने वैसा नहीं किया, हमने अलग अलग चीज़ें की. जैसे हम अगर कुणाल रॉय कपूर को मैं महेश बना रहा हूँ इसमें, तो उसके भोलेपन की वजह से जो बोला जाता है भोलेनाथ को, हमने वो वाला एस्पेक्ट जो है वो पकड़ा है. करण ऑब्वियसली हमेशा बहुत अच्छे दिखते हैं, इसके लिए विष्णु आया है. और रवि की एक अलग टैलेंट है, जो उसकी लैंग्वेज पे जो कमांड है और उसका ऑडियंस के साथ का जो रैपो है, जो हम उसके रियलिटी शोज़ में और फिक्शन शोज़ में देख चुके हैं, वो जो है वो कम्प्लीटली सार्थक करता है उस कैरेक्टर को लेकर. के की मैं बात करूँ, के साथ भिंडी बाजार में भी काम कर चुके हैं. जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ है, एक इमेज बन जाती है कि आप ये कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते जी. अगर मैं के की बात करूँ, करण की बात करूँ, जिस तरह का सिनेमा उन्होंने पहले किया है, इससे पहले किया है, शायद ये उनके लिए भी एक नया होगा. के बारे में क्या कहना, डू यू एग्री ही इज अंडररेटेड एक्टर? आई थिंक वेरी अंडररेटेड. मुझे एक इंडस्ट्री की जो पॉलिटिक्स जो भी होती है ना, जो एक चलती है, एक लॉबी होती है जो चलती है, शायद वो कहीं उनके खिलाफ हैं, वो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है. वरना उस टैलेंट के एक्टर को मतलब ही इज़ अ बून फॉर एवरी डायरेक्टर. मतलब चाहे वो मैं हूँ, चाहे इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट डायरेक्टर ही क्यों ना हो, मुझे चाहिए कि ऐसे एक्टर्स आपकी फिल्म में काम करें, ताकि आप जो कहते हैं, जो लिखते हैं, जो सोचते हैं, उसको 100 गुना ज़्यादा जो है वो पर्दे पर दर्शाते हैं. वो तो उनका ड्यूक है मतलब इंडस्ट्री में, तो आई थिंक वो आ जाएगा. मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दूर है, वो सारे ड्यू जो ड्यू क्रेडिट जो एज एन एक्टर के महसूस करते हैं. क्या आपको लगता है के की बेबाकी इस बात की वजह है, द वे ही इज वेरी ब्लंट, पापा जी कह के जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप जी नहीं कर सकते, इज द रीज़न बिहाइंड इट? अब वो वैसे है, और अगर किन लोगों को बुरा लगता है तो बुरा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार के दूसरे टैंट्रम्स हैं जो बिना परफॉर्म किए आप झेलते हो, इससे बेटर है कि जब केके के टैंट्रम्स या जो केके का बेबाकपन है वो झेल लो, ताकि आपको पर्दे पर बहुत अच्छा एक कलाकार मिल जाए देखने के लिए. तो मुझे लगता है कि वो दो कंपैरिजंस जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर अ फिल्म, रादर देन हम एक ऐसे आदमी को कास्ट करें जैसे आप कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा चापलूसी में बिलीव करता है या आपके मुँह पर आपको झूठ नहीं बोलता, डिप्लोमैट रहता है. आई वुड रादर वॉन्ट समबडी लाइक केके टू बी ऑन द फेस एंड टेल मी दैट आई एम रॉन्ग, रादर देन बींग अप्रिशिएटेड बाई समबडी और उसके बाद मेरा करियर कहीं और चला जाए. एटलीस्ट केके के साथ ऐसा होता है कि वो हमें एक कंट्रोल में रखता है, मुझे सही दिशा दिखाता है. एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट बताऊँगा मैं इस फिल्म को लेकर, कि जहाँ हम फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो मैंने केके को सुनाया कि ये ऐसा ऐसा है. अब क्लाइमैक्स में दो पिलर्स हैं, एक प्रसन्नजीत दादा है जो कैलकाटा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और एक केके है. तो वो पूरा क्लाइमैक्स जो था एक्चुअली केके के ऊपर अपना प्रसन्नजीत दादा के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था. बट एज अ डायरेक्टर आप ये देखते हो और मैनिपुलेट करते हो कि हर एक एक्टर को अपने अपने डायलॉग्स मिल जाए. चार डायलॉग ये एक्टर बोल रहा है, चार डायलॉग वो बोल रहा है. तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लाइमैक्स में. तो मैंने बहुत, क्योंकि हमारा रैपो इतना अच्छा है, तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप बोलें. तो बोलते नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ये बोलूँगा तो फिर इनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा. ऐसे करके उन्होंने क्लाइमैक्स में से अपने सारे डायलॉग जो है वो निकलवा दिए, और प्रसन्नजीत दादा का वो जो क्लाइमैक्स जो ओरिजिनली फिल्म डिजर्व करता था वो क्लाइमैक्स उनको मिला. और बिना एक लाइन बोले क्लाइमैक्स के अंदर उस आदमी ने अपना प्रेजेंस जैसे फील करवाया है,
यू डोंट मिस एनीथिंग. तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिक्योर्ड कोई एक्टर होगा इस इंडस्ट्री में इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. अंकुश, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूँ, यू हैव डन अ यूनिक कास्टिंग है ना जी. क्या आपको लगता है कि तीनों लोग, रवि दुबे की मैं बात करूँ, मैं करण की बात करूँ, मैं केके की बात करूँ, कुणाल की बात करूँ, सरप्राइज करेंगे जो हमने अभी तक देखा नहीं, ऑडियंस ने नहीं देखा है, उन सबको सरप्राइज करेंगे अपने परफॉर्मेंस से और जो जो किरदार उनको दिए गए उसके माध्यम से? नहीं, सरप्राइज करने वाली एलिमेंट तो मुझसे ही शुरू होती है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हार्डकोर इंटेंस ड्रामा, जैसे मैंने भिंडी बाजार और मुंबई मिरर में किया था, तो वहाँ से एक्सपेक्टेशन जो है वो टूटती है और वो बेटर के लिए टूटी हुई है. मतलब इंडस्ट्री में से भी जो फीडबैक आया है और आम ऑडियंस में से भी जो फीडबैक आया है, अक्सर मेरे आजू बाजू जानने वाले लोग थे जो मुझे भिंडी बाजार और मुंबई मिरर से एसोसिएट करते थे, उनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा वो ऐसी फिल्में अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते. ऑन द फेस छुप छुप के भले ही कोई चला जाए देखने के लिए, बट एक फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते. मुझे पर्सनली भी एक ऐसा था कि जब आप फिल्में बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती है, लेकिन वो इट डज़ नॉट ट्रांसलेट इनटू बॉक्स सक्सेस, क्योंकि वो एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए वो फिल्में होती है. तो यहाँ भी मैंने वही किया हुआ है. मतलब मैंने सब्जेक्ट बहुत हार्डकोर है, आपको समझ ही गया होगा, जब हम गॉड की बात करें तो अपने आप में वो कॉन्ट्रोवर्सी लेकर आता है, बट एक बहुत हार्ड हिटिंग बात की है, लेकिन वो उसका पेश करने का अंदाज़ जो है वो बहुत डिफरेंट हमने चुना है. हमने एक फैमिली को लेकर, एक फैमिली कैसे पूरी फिल्म एंजॉय कर सकती है और जब घर पे जाती है तो कैसे अपने बच्चे को ये समझाए कि हाँ एक्चुअली भगवान जो है वो ये है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए ये सारा जो मीडियम है वो हमने चुना हुआ है. जहाँ तक तीनों की बात है, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है कि हमने बहुत ज़्यादा मिसमैचिंग की हुई है एज़ फार एज़ कैरेक्टर्स. कुणाल को कभी आपने, कुणाल ने पर्सनली इस फिल्म के लिए 25 किलो वज़न अपना लूज़ किया, यू नो, टू लुक दैट पार्ट इस चक्कर में. तो अपने अपने लेवल पे तो सारे लोग सरप्राइज हो ही रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को लेकर हो रहे हैं. फिल्म का ह्यूमर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर बाहर आ रहा है. पहले हमको डर लग रहा था कि क्या ये ह्यूमर करेक्ट है, क्या लोगों को हंसी आएगी, क्या सिर्फ हमें हंसी आ रही है, बट ट्रेलर का रिस्पॉन्स देखकर हर एक छोटी छोटी चीज़, मतलब जैसे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसका फीडबैक जो है वो हमें आ रहा है. तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं लोग ये पूरी कास्टिंग को लेकर और फिल्म को लेकर भी. मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट जो हमें भी है वो ये है कि IMDB की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में पिछले 6 दिन से ये नंबर 2 और 3 पे थी, आज जो है वो नंबर 1 पर है. तो देर इज़ अ होल लॉट ऑफ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बिग फिल्म्स विच आर देयर एंड विच आर ऑल इन द सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजिशन और हम लोग फर्स्ट नंबर पर. तो ये अपने आप में सरप्राइज एलिमेंट जो है वो है हमारे लिए. अंकुश, जैसे आपने कहा मुंबई मिरर की बात करूँ मैं, अंकुश जैसे आपने कहा मुंबई मिरर या भिंडी बाजार, इस तरह का सिनेमा देने वाला डायरेक्टर निर्देशक अगर इस तरह एकदम अलग तरह का सिनेमा लेके आता है, आपके लिए कितना चैलेंज था? डू यू फील नर्वस, स्कैर्ड, एक्साइटेड कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एज एन डायरेक्टर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी थी, जब आप किसी बैकिंग के बगैर जब आप फिल्में बनाते हैं, बैकिंग के बगैर एज इन गॉडफादर हो या कोई बैकिंग के बगैर एज इन कोई बड़ा प्रोड्यूसर हो या कोई बड़ा स्टूडियो आपको बैक कर रहा है, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है मार्केटिंग और उन सब चीज़ों को लेकर. तो थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है. बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास इंडिविजुअल फंडर्स थे और इस चीज़ को लेकर आके ऑडियंस के सामने लेकर आना और उसकी करेक्ट मार्केटिंग और करेक्ट इंटेंशन जो है वो फिल्म की को लेकर वो सामने लेकर आना, वो बहुत एक थोड़ा सा टास्क था. बट हमने वो बहुत खूबसूरती से उस चीज़ को कंप्लीट किया है. यहाँ पर इन वन लाइन आई वांट दिस आंसर, यू नो, आफ्टर भिंडी बाजार एंड मुंबई मिरर, श्रीदेव इज अ रिस्क और अ चैलेंज? इट इज़ अ चैलेंज बिकॉज बहुत थिन लाइन है कैरिकेचर और बिलीवेबल होने में. तो हमने उसको बिलीवेबल रखा है, कैरिकेचर नहीं होने दिया है. और चैलेंज ये है कि कॉमेडी बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं बट बहुत कम जो है वो उस पर सक्सेसफुल हो पाते हैं. अब हमें ये देखना है कि हम सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, वो हम 1 जून को पता चलेगा. हमें इस चीज़ को वेरी सीरियस बिजनेस हमको चाहिए ना, फिल्में बना तो लेते हैं जैसे आपने भी जिक्र किया. डू यू एग्री कि वो जो पहले वक्त था यू नो जब कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बहुत चुनिंदा लोगों को फिल्म मेकिंग पता थी, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, यशराज साहब, मनमोहन देसाई, अब वो यू नो अब जो जितना कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, यकीनन पैसा बढ़ गया होगा, लेकिन डू यू एग्री विद दिस कि उस मोनोपोली की वजह से
उतनी फिल्में नहीं बन पाती जितनी बननी चाहिए? नहीं नहीं बन तो बहुत सारी फिल्में रही है, थिएटर नहीं मिल पाते हैं, आप फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाते, बट उसमें कोई स्टूडियो का बैकअप मुझे नहीं लगता। और दूसरा जहाँ तक मुझे लगता है कि एवरीबडी हैज़ देयर जॉब एट स्टेक, तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि रिस्क लेवल जो है मॉनिटरी रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ होने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा हिट होता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटा प्रोजेक्ट जो है हमेशा फ्लॉप होता है। हमने छोटी फिल्में देखी हुई है जैसे लिपस्टिक इन अ बुरखा हो या न्यूटन हो या कुछ हो, आप जिस अमाउंट ऑफ मनी में उस चीज़ को बनाते हैं और जहाँ उसका रिटर्न जो है अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहीं पर जब हम बड़ी फिल्में बनाते हैं जो करीब करीब 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ के आसपास की होती है, उसकी रिटर्न वैल्यू अगर हम देखें तो वो परसेंटेज वाइज अगर आप उसको देखने जाए तो बहुत कम मिलेगी आपको। बट चूंकि सब लोगों की नौकरी का सवाल होता है, सब CEO से लेके मार्केटिंग हेड तक सारी लोगों की नौकरियों का सवाल होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सेफ बेट खेलना चाहते हैं। और जहाँ तक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का सवाल है, वो लोग अभी इस चक्कर में पड़ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं सेंसर रिलेटेड भी हो गए हैं। जहाँ एक टाइम मैं भिंडी बाज़ार बना सकता था, अब मैं अगर भिंडी बाज़ार जैसी स्क्रिप्ट किसी को अप्रोच करूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लगता है लोगों को कि यार ये सेंसर में फंस जाएगी, इसका एक ऑडियंस नहीं है। वो बहुत सारे सवाल जो है वो इंडस्ट्री के अंदर अंदर ही घूम के ना एक आदमी को थोड़ा सा इनसिक्योर कर देती है अपने पैसे को लेकर। यहाँ अब जो है थोड़ा सा सिनेरियो 70-80% ऐसा हो गया है कि लोग जो है बेट जो है वो बहुत सेफ चीज़ों पे करते हैं, अपनी गट फीलिंग से कोई नहीं करता। इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि किसी ने अपनी गट फीलिंग पे जाकर इस पिक्चर के अंदर पैसा लगाया, तो दैट इज़ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। दे शुड कम एंड बी अ पार्ट ऑफ थ्री डे। वन, इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनर। 2 hours 20 minutes आपको पूरा धमाल मिलेगा, पूरा एन्जॉयमेंट मिलेगा, और बाद में जो एक बहुत बहुत सटीक मैसेज जो है हम देना चाह रहे हैं कि हमारे सबके अंदर एक छोटा सा भगवान है, हमारे सबके अंदर एक अच्छाई है जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की बुराइयों पर ओवरपावर करती है और हमें वो ताकत देती है कि हम आसपास की सारी सिचुएशन से लड़कर एक मुकाम तक वहाँ पहुँचें जहाँ पर लोग हमें अपना पर्सनल हीरो मानने लगे। वो आप देखने ज़रूर आइएगा फिल्म के अंदर। थैंक यू सो मच। समझ पाएगा उनका चक्कर क्या ना, उसको समझ में आती है स्क्रिप्ट, उसको ये समझ में आता है कि तुम उसको उल्लू बना रहे हो या तुम बेसिकली एक ईमानदार। तो प्रपोजल है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है। कुछ रिपोर्टरों भी ले लेता है वो खड़े खड़े। आप जब जा रहे हो कुछ भटके बी प्रिपेयर, क्या पूछना है आपको, क्या करना है ईमानदारी से। जैसे अगर मैं अप्रोच करता हूँ केके को, मैंने बहुत डिफिकल्ट एक्टर्स के साथ काम किया, मैंने पीयूष मिश्रा के साथ होती है यार, वो एक सेकंड में आपको लगा कर देंगे वो सारी चीज़। ये क्यों ये है, जब ऐसा क्यों है और उनका सवाल का जवाब मिल जाता है ना, तब उनको विश्वास होता है कि ये आदमी को करेक्ट काम आता है। हाँ, बाकी दूसरे डायरेक्टरों को पता ही नहीं होता कि अरे ये मैंने इसलिए रखा, ये इंसर्ट में इसलिए डाल रहा हूँ और ये कट में इसलिए ले रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो शॉर्ट भी क्यों ले रहे हैं, जैसे बहुत एक खूबसूरत हम जब भिंडी बाजार कर रहे थे तो एक हमारा इधर से ये किया, इधर से ये किया, इधर से ट्रॉली घुमाया ऐसे कि उसने 22 23 24 शॉट लिए थे उसके, वो सब गिना दिए। तो मैंने बोला नहीं सर। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।